स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम लोग जो टॉपिक्स देखेंगे, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, माने सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे सर ये तो चैप्टर हो चुका है। देखो, पहले तो एक बात सुनो, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है कि d2y dx2 प्लस p dy dx प्लस q y इज इक्वल टू r। ठीक है, यही तो जनरल फॉर्म होता है ना, जहाँ पे पी क्यू आर क्या होता है, वेयर पी क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स। तो एक बात देखो, हम लोग ने सबसे ज़्यादा जो टाइम गया डिफरेंशियल इक्वेशन में, बहुत ज़्यादा टाइम गया, वो जो लास्ट चैप्टर क्या था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या किए थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसी के ऊपर हम लोगों का काम गया था, जो जहाँ पे हम लोगों ने क्या किए थे, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और ये सी एफ पी आई का हम लोगों ने निकालने का बहुत सारा ये देखा था। सी एफ का तो एक ही रूल था, ऑक्सिलरी इक्वेशन करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालो, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लोगों ने जो सबसे मेन मेथड किया था डी ऑपरेटर मेथड। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, वेरिएशन पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर, एंड जो तुम्हारा सबसे बात है कि अगर कोएफिशिएंट कॉन्स्टेंट भी अगर ना हो, अगर वो कोएफिशिएंट क्या हो, अगर वो कोएफिशिएंट अगर वेरिएबल है बट क्या है, ध्यान में रखना है, जैसे एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू जो ऑर्डर है उतना ही उसके एक्स के डिग्री है। ठीक है, माने इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इस टाइप का जो इक्वेशन था, पर्टिकुलरली इस टाइप का जो इक्वेशन था, कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, इस टाइप का जो पर्टिकुलरली इक्वेशन था, इसको हम लोग क्या बोले थे कि इसको कॉसी ऑयलर होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, कॉसी ऑयलर इक्वेशन। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से हम लोग क्या किए थे, जो तुम्हारा x इक्वल टू टू द पावर टी, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये जो तुम्हारा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स कॉसी ऑयलर इक्वेशन था, इसको मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। तो जिसके हिसाब से मैं फिर से जो मेरा मेन जो चैप्टर है इसके ऊपर काम कर सकता था। ठीक है, तो ये चैप्टर के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा काम किया था। ठीक है, अब जो मेन जो काम है ना वो क्या है, अगर ये पी क्यू आर वो फंक्शन ऑफ एक्स कुछ भी हो, माने इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना मैचिंग होगा जो ऐसे कॉसी ऑयलर में था, माने यहाँ पे कुछ भी अगर आ जाए, पी क्यू आर आर द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड द फंक्शन ऑफ एक्स आर एनी फंक्शन, माने वो तुम्हारा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, माने डीवाई डी एस के साथ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई के साथ वहाँ कॉन्स्टेंट ना हो कि कुछ एक्स का पावर, तो तब जाके हम लोग यहाँ पे वो जो काम करेंगे इस चैप्टर में वो काम करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बात देखो, हम लोगों ने तो ये चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट के, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट जो काम किया था कॉसी ऑयलर इक्वेशन के ऊपर किया था, बट अभी जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं ना, वो चैप्टर का नाम क्या है, वो चैप्टर का नाम है तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स यहाँ पे जो पी क्यू आर है, यहाँ पे पी क्यू आर तो कुछ भी हो सकता था, पी क्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे बीच में और एक चैप्टर था जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट था, ओल्ड सिलेबस जो था तुम लोगों का कैलकाटा यूनिवर्सिटी का, उस टाइम में इस चैप्टर को इंक्लूड ये था। तो इस चैप्टर जो है इसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सम स्पेशल फॉर्म। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे तुम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में किए थे कि डेल एम डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डेल एक्स
ए होने से हम लोग क्या देखते थे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फर्स्ट वाला जो फर्स्ट डिग्री था वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता था। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही काम है। मैं तो ये चैप्टर नहीं बोलूँगा, जस्ट मैं तुमको बोल रहा हूँ कि कोई भी एक हायर ऑर्डर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज डी एन वाई डी एक्स एन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन वाई सॉरी एंड सो ऑन डी वाई डी एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू आर एक्स, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग एग्जैक्ट तभी बोलेंगे जब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिड्यूस कर सकता हूँ सम न्यू फंक्शन ऑफ क्या, इसके सिर्फ एक ऑर्डर घट जाएगा, डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस टू वाई डी एक्स एन माइनस टू डी वाई डी एक्स वाई एक्स दिस इज इक्वल टू आर वन एक्स प्लस सी। सेम इसमें भी क्या है, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है कि एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो अगर उस फॉर्म में हो पी जीरो डी एन माइनस डी एन वाई डी एक्स एन पी वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन पी टू डी एन माइनस टू वाई डी एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन पी एन वाई इक्वल टू आर या फिर हाँ इक्वल टू आर, ए इक्वेशन कब क्या वो होगा एग्जैक्ट होगा, उसका भी एक नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है। वो और कुछ नहीं है, जस्ट मैं तुमको बोल दे रहा हूँ, देखो पी एन पी एन माइनस वन डैश पी एन माइनस टू डबल डैश प्लस माइनस ऐसे चेंज होते जाएगा एंड डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो दिस इज ए पी नॉट पी एन, दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस, बट इस चैप्टर को इंक्लूड नहीं किया गया तो इसके ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट जो है पी क्यू वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे देखो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे जो मेथड है ना, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें मेथड जो है, अभी जो मैं इस चैप्टर का बात कर रहा हूँ जो घोषण मायती में चैप्टर 7 है, ठीक है, तो इस चैप्टर में जो मेथड है, मेथड वन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स मेथड नंबर वन अगर मैं बोलूँ, वन नॉन इंटीग्रल मतलब जिसको हम लोग वन सॉल्यूशन मेथड भी बोल सकते हैं, वन सॉल्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है बोलो तो, एक सॉल्यूशन तुमको पहले से मालूम होता है, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, मतलब जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना, इस ओरिजिनल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड आर है इसको अगर जीरो पुट कर देते हो तो क्या हो जाता है, वो जो बिकम्स रिड्यूस इक्वेशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट में जीरो पुट करने से जो इक्वेशन होता है वो इसका क्या होता है, रिड्यूस इक्वेशन। तो रिड्यूस इक्वेशन का अगर एक इंटीग्रल मालूम है, मतलब एक सॉल्यूशन का एक पार्ट अगर मालूम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका अगर एक सॉल्यूशन मालूम है दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक सॉल्यूशन का पार्ट मालूम है तो उसको हम लोग बोलते हैं वन नॉन इंटीग्रल और वन सॉल्यूशन मेथड। मेथड जो टू आता है इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे अभी इस लेक्चर में। मेथड होता है क्या, मेथड टू होता है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। नंबर थर्ड जो होता है चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नंबर फोर होता है तुम्हारा वेरिएशन, यहाँ पे भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हम लोग देखेंगे, अच्छा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स कहाँ पे, जब कोएफिशिएंट तुम्हारा क्या हो एक्स का हो, बट वो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे भी क्या है, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, तो ध्यान में रखना यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है ना वो कांस्टेंट के ऊपर हम लोग काम नहीं कर रहे, वो इन जनरल कोई भी एक्स का फंक्शन के ऊपर काम कर रहे, ठीक है। तो ए है, तो चलो देखो यहाँ पे वन नॉन इंटीग्रल वन सॉल्यूशन मेथड, वन नॉन इंटीग्रल और क्या वन सॉल्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पहले वो एक बार देख लेते हैं, वन नॉन इंटीग्रल और वन सॉल्यूशन मेथड। तो एक बात सुनो, यहाँ पे हम लोग
जो काम करते हैं ना, तो मुझे एक सॉल्यूशन पहले से गिवन होता है, माने y इक्वल टू कोई एक अगर सॉल्यूशन है, दैट मीन्स उसको मैंने u माना, u इज़ द फंक्शन ऑफ x, ए सॉल्यूशन तुमको पहले से दिया जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये सॉल्यूशन अगर नहीं दिया रहता है तो ए सॉल्यूशन अगर नहीं दिया रहता है तो कुछ रूल है, अच्छा माने कुछ फॉर्मूला है, उसको चेक करने से मुझे मालूम हो जाता है कि वो जो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है या फिर रिड्यूस इक्वेशन जो है, रिड्यूस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, मुझे एक सॉल्यूशन अगर मालूम है तो मैं वहाँ से जनरल सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। इसी को बोलते हैं वन सॉल्यूशन मेथड, मतलब एक सॉल्यूशन मुझे पहले से मालूम है तो उससे मैं जनरल सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको मैं, इसका जो थ्योरी है, इसका सॉल्यूशन जो होता है ना वो होता है वाई इक्वल टू यू वी, y इक्वल टू यू वी। अब ये भी कैसे निकालना है वो तो मैं आ रहा हूँ, ठीक है, वो मैं थ्योरी में बोलूँगा, बट एक बार तुम लोग समझ लो, उसके बाद जो टेक्निक है, अगर u नहीं बोला जा रहा है तो u कैसे निकाले, सर y इक्वल टू जो u है ये कैसे देखे कि वो रिड्यूस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो उसका कुछ रूल है, उसको देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा y इक्वल टू यू वी। तो अब मेरा टारगेट होगा भी कैसे निकालना है, तो पहले हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि ये देखो कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बोला है, कि कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश पी वाई डैश क्यू वाई आर, माने वही तुम्हारा डी टू वाई डी एक्स टू पी डी वाई डी एक्स क्यू वाई इक्वल टू आर इन टर्म्स ऑफ वन नोन इंटीग्रल, माने एक नोन मुझे इंटीग्रल है बिलोंगिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसका एक सॉल्यूशन, माने उसका सॉल्यूशन का एक पार्ट मुझे मालूम है, दैट मीन सिंपल बात है रिड्यूस इक्वेशन, माने इसका आर का वैल्यू अगर मैं जीरो कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, इसका ऑरिजिनल इक्वेशन का रिड्यूस इक्वेशन, तो उसका मुझे एक सॉल्यूशन मालूम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वन इंटीग्रल मेथड, या फिर सिंपली ये जो इक्वेशन है, असल में यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा कि यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है ना, माने ये जो सेकंड ऑर्डर है इसका ऑर्डर रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा मतलब सेकंड ऑर्डर से रिड्यूस होने का एक ही चांस है फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि इसका ऑर्डर रिड्यूस होगा, तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखो मैं एक बार यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि तुम देख लो, नहीं तो इसको मैं कराऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, एग्जाम में तो ये नहीं आएगा। इस प्रोसेस के जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे, क्वेश्चन जब तुम करोगे तो देखना हर एक लाइन को तुमको अच्छा लगेगा, बट यहाँ पे एक बार देख लो, मैंने बोला ये है तुम्हारा ओरिजिनल क्या सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, दिस इज द ओरिजिनल सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे ये क्या है, ये जो p है, ये जो q है, p एंड q ये सब क्या है, आर द फंक्शन ऑफ x, r इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। मैंने क्या किया देखो, समझो मेरे बात, यहाँ पे मैंने लेट y इक्वल टू u, लेट y इक्वल टू u बी ए नॉन इंटीग्रल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट मीन्स इस इक्वेशन को राइट में जीरो करोगे तो रिड्यूस इक्वेशन होगा, रिड्यूस इक्वेशन अगर होगा तो उस रिड्यूस इक्वेशन को जब तुम उसका सॉल्यूशन लोगे तो y इक्वल टू यू उस रिड्यूस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि y इक्वल टू यू इज ए नॉन इंटीग्रल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि रिड्यूस इक्वेशन किए तो वहां पे सी एफ का बात आएगा। सो यू इज ए सॉल्यूशन ऑफ वन व्हेन इट्स राइट हैंड साइड इज टेकन इज जीरो, तो ही बोला है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ये नॉन इंटीग्रल है तो इसका मतलब क्या है कि अगर राइट हैंड साइड ये जो वन है इसका राइट हैंड साइड को तुम क्या कर लोगे, अगर राइट हैंड साइड को जीरो कर लोगे वन का, तो जो सॉल्यूशन होगा वो तुम्हारा एक यू है, यू उसका उसमें एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो दैट मीन्स सो यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ वन, यू तुम्हारा वन का सॉल्यूशन है कि अगर राइट हैंड साइड जीरो, दैट मीन्स यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द रिड्यूस इक्वेशन वन, दिस इज द इक्वेशन एंड रिड्यूस इक्वेशन माने राइट में वन, दस वाई इक्वल टू यू इज अ सॉल्यूशन, तो अगर वाई इक्वल टू यू सॉल्यूशन है किसका इसका, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके अंदर वो पुट कर सकता हूँ डी टू यू डी एक्स टू होगा ये डी टू यू डी एक्स टू, ठीक है यहाँ पे, एंड पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू दिस। अब देखो मेरा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ना उसको मैं क्या लेना है y इक्वल टू यू वी, वाई इक्वल टू यू वी। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ y इक्वल टू यू, सर y इक्वल टू यू जो आपका सॉल्यूशन है, आपने जो बोला एक सॉल्यूशन अगर मालूम हो जाए किसका रिड्यूस इक्वेशन का, दैट मीन्स पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो मुझे उससे जनरल सॉल्यूशन निकालना
इजी है कैसे कि मैं उसको क्या कर लूँ, वाई इक्वल टू यू भी उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब यू अगर दिया गया है तो मैं डायरेक्ट यू इंटू वी कर लूँगा, और भी क्या है, भी मुझे अब निकालना है। अब कैसे निकालना हो मैं समझा रहा हूँ। अगर यू तुमको मालूम नहीं है तो उसको निकालने का कुछ रूल है, ठीक है, पर्टिकुलरली कुछ रूल है, सभी के लिए नहीं कर सकते बट ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्पेशली उस टाइप का ही हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो वाई इक्वल टू यू वी, दिस इज द कम्प्लीट सॉल्यूशन। अब देखो प्रोसेस क्या होता है, तुम क्या किए, इसको डेरिवेटिव किए, अच्छा डी वाई डी एक्स, यू वी रूल एक अलग अलग, तो भी डी यू डी एक्स एंड क्या होगा, यू डी वी डी एक्स, ठीक है, एंड तो ए हो गया, ठीक है, इसको डेरिवेटिव करने से आ गया। एंड सेकेंड बार इसको फिर से एक बार डेरिवेटिव करो तो देखना ये आ जाएगा। तो अब क्या करो, इसको नंबर फोर डी वाई डी एक्स एंड डी टू वाई डी एक्स टू, ये फोर है, अच्छा ये थ्री है। अब क्या करो, थ्री फोर जो ओरिजिनल इक्वेशन वन है इसमें पुट कर दो, वन में पुट कर दो। तो वन में जब तुम इसको पुट कर दोगे ना तो देखना ये वैल्यू तुमने पुट किया, ठीक है, डी टू वाई डी एक्स टू का वैल्यू ये है, पी डी वाई डी एक्स का वैल्यू ये है, एंड क्यू वाई आर इक्वल टू आर। अब क्या करो, भी के साथ यहाँ पे देखो, देखो तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, भी इंटू दिस, तो भी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या आया, भी इंटू दिस, इसके बाद यू इंटू दिस एंड दिस, ये इसको मैंने सजा लिया। अब देखो जो टू है, टू कहाँ पे है, टू माने ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट क्या था, देखो तो जीरो था ना, क्योंकि यू तो तुम्हारा क्या था, यू इज ए सॉल्यूशन ऑफ द रिड्यूस इक्वेशन। तो यू अगर रिड्यूस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसका वैल्यू तो जीरो है ना, रिड्यूस इक्वेशन का सॉल्यूशन माने इसका वैल्यू जीरो। तो देखो तो अल्टीमेट ए इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, अल्टीमेटली ए इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गया बाय यूजिंग टू, क्योंकि यू क्या है, यू इज अ सॉल्यूशन, तो इसमें मैंने इसको यूज किया। तो देखो असल में ए सिर्फ रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, ए है, ठीक है। अब देखो ये जो डी टू वी डी एक्स टू है, अच्छा डी टू वी डी एक्स टू है, ये सेकेंड ऑर्डर है, अच्छा तो अब तुमको क्या करना है, तुमको इसको यूनिटी रखना है, कोएफिशिएंट माने इसको यू से डिवाइड कर दो, तो यू से डिवाइड कर दोगे तो डी टू वी डी एक्स टू, अच्छा डी टू वी डी एक्स टू यहाँ पे क्या आएगा, देखो तो डी वी डी एक्स कॉमन आएगा, डी वी डी एक्स, तो डी वी डी एक्स अगर कॉमन आएगा तो क्या होगा, पी प्लस टू अपॉन यू डी यू डी एक्स डी वी डी एक्स आर अपॉन यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया ना, इसको मैंने देखो सेकेंड ऑर्डर तो है बट इसमें कोएफिशिएंट क्या है, वन है, यूनिटी है। अब जो तुमको काम करना है ना, अब जो तुमको काम करना है, क्या करना है, ये जो डी यू डी वी डी एक्स, जो डी वी डी एक्स है ना, इसको तुम क्या ले लो, कोई भी एक ये ले लो, सपोज तुम उसको जेड ले सकते हो, या फिर चलो यहाँ पे क्यू लिया गया है, तो अगर क्यू ले लोगे तो ये क्या होगा, डी वी डी एक्स इज क्यू, और डी टू वी डी एक्स टू क्या होगा, डी टू वी डी एक्स टू क्या होगा, डी क्यू डी एक्स। तो देखो तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टू वी डी एक्स टू की जगह पे क्या होगा, डी क्यू डी एक्स, पी टू अपन यू डी यू डी एक्स, और डी वी डी एक्स की जगह पे क्या होगा, क्यू, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बोलो, तो डी क्यू डी एक्स, अच्छा जैसे डी वाई डी एक्स हम लोग का था पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ए किसका लीनियर है, लीनियर इन वाई, तो ए किसका लीनियर है, लीनियर इन क्यू। अब तुम बोलोगे सर ये क्या सर फंक्शन ऑफ एक्स है, हाँ ये तो फंक्शन ऑफ एक्स है, क्योंकि पी क्या है, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यू क्या है, वाई इक्वल टू यू, वाई इक्वल टू यू का मतलब क्या है, वाई इक्वल टू यू एक्स माने यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो वाई इक्वल टू यू माने यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो पी भी फंक्शन ऑफ एक्स है और यू भी फंक्शन ऑफ एक्स है, डी यू डी एक्स जो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो दिस इज द टोटल फंक्शन ऑफ एक्स। तो असल में अब जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन क्या हो चुका है बोलो तो, यहाँ पे क्यू डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज द इंडिपेंडेंट, एंड यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ये तुम्हारा एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है, एंड दिस इज द लीनियर इन क्यू, दिस इज द लीनियर इन क्यू। जैसे जैसे ये लीनियर इन, इसको देखो एक इसका रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे पी का रोल प्ले कर रहा है, तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन क्यू। तो अब लीनियर इक्वेशन इन क्यू है, अच्छा तो जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसको देखो मैं लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और जिसका कोएफिशिएंट क्या है देखो तो यूनिटी, ठीक है, तो दैट मीन्स इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका आईएफ क्या होगा, ए टू द पावर इंटीग्रेशन दिस डीएक्स, ठीक है, ए टू द पावर इंटीग्रेशन दिस डीएक्स, तो पी डीएक्स, और यहाँ पे क्या होगा, वन अपन यू है, तो लॉग टू लॉग यू, ठीक है, तो टू लॉग यू। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे टू लॉग यू को क्या होगा, लॉग यू स्क्वायर इंटू ई टू द पावर पी डीएक्स, ठीक है, तो ई के पावर में है, तो क्या होगा देखो तो
ई के पावर में लॉग यूज़ कर, तो इसका वैल्यू होगा यू स्क्वायर आई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो देखो मुझे आई एफ मिल चुका है, यहाँ से मुझे आई एफ मिल चुका है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन ऑफ क्या, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो रिड्यूस हुआ ना, ये इक्वेशन रिड्यूस हुआ है, लीनियर इक्वेशन रिड्यूस टू फर्स्ट ऑर्डर। तो इक्वेशन था सेकेंड ऑर्डर, उसको मैंने रिड्यूस किया, तो वन सॉल्यूशन मेथड या फिर वन क्या बोलते हैं कि वन नॉन इंटीग्रल मेथड, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो ये है ना, उसमें अगर मुझे एक सॉल्यूशन मुझे मालूम है वाई इक्वल टू यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर रिड्यूस इक्वेशन का, तो वो असल में क्या होता है बीच में, तो मैं जब कल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो तुम्हारा एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और लीनियर इक्वेशन न्यू वेरिएबल में होगा, जो क्यू यहाँ पे है, जो यहाँ पे क्यू है, अच्छा जो क्यू क्या है डी वी डी एक्स, यहाँ पे क्यू का लीनियर हो गया ये। अब इसको तुम जैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन में हम लोग काम किए थे, ठीक है, वहाँ पे आई एफ निकालना है। अब वो जो आई एफ आया, वो जो मेरा आई एफ आया, उस आई एफ से हम लोग क्या करेंगे, उस आई एफ से ये जो आई एफ आया, इस आई एफ से हम लोग क्या करेंगे, नंबर जो सिक्स इक्वेशन है इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रल इंटीग्रेट करेंगे। तो किसका लीनियर है, दिस इज ए लीनियर इन, दिस इज ए लीनियर इन क्यू। तो क्या प्रोसेस था, जिसका लीनियर उसके साथ आई एफ को मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन क्या करना है, इंटीग्रेशन उसका राइट हैंड साइड इनटू, उसका राइट हैंड साइड इनटू ये जो पी था, यहाँ पे जो पी था, तो दिस डी एक्स प्लस सी वन, ठीक है। अब तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए कि सर यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्यू का वैल्यू देखो, तो क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू है डी वी डी एक्स, ठीक है, क्यू का वैल्यू क्या है डी वी डी एक्स, अच्छा क्यू का वैल्यू डी वी डी एक्स। तो अब देखो तो यहाँ से क्यू का वैल्यू क्या होगा, इस पोर्शन को क्या कर दो, इस पोर्शन से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, दिस इज द क्या होगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस पी डी एक्स अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है, इस तरफ ये पूरा ऐसे रह जाएगा, इसके बाद यहाँ पे भी उसके साथ ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखो तो ये कैलकुलेशन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी वी डी एक्स है, तुम अगर इंटीग्रेशन डी एक्स को उस तरफ ले चले जाओ, डी एक्स को देखो मैंने इस तरफ ले चलाया, एंड डी वी इंटीग्रेशन करोगे तो भी होगा और ये आ जाएगा, दैट मीन्स भी का वैल्यू मेरा ये आ गया। अब सुनो ये भी का वैल्यू है, मेरा सॉल्यूशन क्या था, वाई इक्वल टू यू वी, वाई इक्वल टू यू वी। तो मैं अब अगर क्या करे, अगर मैं इस भी के साथ मैं अगर क्या करूँ, दैट मीन्स वाई इक्वल टू यू वी, तो यू और भी पुट कर दो, ये वैल्यू जो भी है पुट कर दो, तो देखना ये आ जाएगा। तो क्या देख पा रहे हो, y इक्वल टू मेरा सॉल्यूशन आ गया, जिस सॉल्यूशन में y इक्वल टू यू है, माने जो तुम्हारा सॉल्यूशन मुझे गिवन था रिड्यूस इक्वेशन का। एंड इसमें देखो दो कांस्टेंट है, सी वन सी टू, दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर में दो आर्बिटरी कांस्टेंट, दैट मीन्स दिस इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखो ये मैंने जस्ट एक प्रोसेस बोला कि हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये तो मैंने थ्योरेटिकल वे बोला, तो इसमें ये क्या है, जनरल है, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर है इस फॉर्मेट के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। बट अब जो बात है, अब इसका जो रूल है ना वो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो रिड्यूस इक्वेशन है उसका जो एक सॉल्यूशन मुझे चाहिए, दैट मींस रूल्स फॉर गेटिंग इंटीग्रल बिलोंगिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो दैट मींस जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें जो राइट हैंड साइड है उसको जीरो कर दोगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज द रिड्यूस इक्वेशन ऑफ क्या, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो पहला जो रूल है, ध्यान से देखना, यहां पे जो पहला रूल है वो है तुम्हारा कि अभी मैंने बोला वाई इक्वल टू यू क्या होता है, कि अगर सॉल्यूशन है रिड्यूस इक्वेशन का तो वाई इक्वल टू यू वी होगा जनरल सॉल्यूशन, कॉम्प्लीट सॉल्यूशन। बट जब तक यू नहीं मालूम है तब तक तुम काम नहीं कर पाओगे। अब देखो यू जनरली भी बहुत सारे टाइम में दिया जाता है, और अगर नहीं दिया जाता है तो तुमको उस रूल से, ये कुछ रूल है, उस रूल से तुमको यू निकाल लेना है। तो पहला जो यू निकालने का रूल है वाई इक्वल टू यू रिड्यूस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन, ये है क्या, वाई इक्वल टू यू, यू क्या है ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स माने वो ई टू द पावर एक्स हो सकता है, ई टू द पावर टू एक्स हो सकता है, ई टू द पावर थ्री एक्स हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ई टू द पावर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स भी हो सकता है। तो ई टू द पावर एक्स इज ए सॉल्यूशन कब होगा, जब तुम्हारा ये जो ई टू द पावर एक्स है, अगर ई टू द पावर टू एक्स सॉल्यूशन होना चाहिए तो क्या होना पड़ेगा, टू स्क्वायर टू पी आर क्यू ए जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन जब करूंगा तो समझ में आ जाएगा, दिस इज द कंडीशन, माने जो इक्वेशन है उसका रिड्यूस इक्वेशन ए है, वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स सॉल्यूशन कब होगा, ये जो ई के पावर में ए है
इसको तुम इस इक्वेशन में पुट करो जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन था, तो इसमें देखो तो अगर ये सेटिस्फाई कर गया, जीरो आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा, ई टू द बार एक्स ये सॉल्यूशन। देखो इसका प्रूफ भी बेसिक है, वाई इक्वल टू ई टू द बार एक्स अगर है तो डीवाई डी एक्स ए ई टू द बार एक्स डी टू वाई डी एक्स टू ए स्क्वायर ई टू द बार एक्स। ठीक है, अब इसको अगर तुम वन में पुट करोगे, देखो वन में पुट करोगे तो देखो यही कंडीशन आ रहा है ना, वन में पुट करो ना, वाई डबल डैश माने क्या, ए स्क्वायर ई टू द बार एक्स। ठीक है, इसमें पुट करो, ठीक है इसमें पुट करोगे तो ये आएगा, यही कंडीशन आ रहा है। अब बोलो तो अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ कि ई टू द पावर एक्स इसका सॉल्यूशन कब होगा, रिड्यूस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा, तो तुम बोलोगे सर ए का वैल्यू वन ले लीजिए। ए का वैल्यू अगर वन ले लीजिएगा तो ए का वैल्यू वन लेने से क्या होगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। हाँ, वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माने दिस इज ए सॉल्यूशन, कब होगा बोलो, ए के जगह पे वन पुट करो तो वन स्क्वायर पी इंटू वन क्यू दिस इज जीरो, तो दैट मीन्स वन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो देखो एक बात सुनो, जो इक्वेशन है उस सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर जो लीनियर इक्वेशन है, ये जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है, जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, उसका पी क्यू पहले से क्या कर लेंगे, कंपेयर करके निकाल लेंगे, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, वन प्लस पी प्लस क्यू करके अगर देखा जीरो आया तो इसका मतलब वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स उसका सॉल्यूशन है। अब बोलो तो वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स सॉल्यूशन कब होगा, तो दैट मीन्स ए के जगह पे तुम माइनस वन पुट करो, तो माइनस वन पुट करोगे तो ये आएगा वन और ये आएगा माइनस पी और ये आएगा प्लस क्यू, तो दैट मीन्स वन माइनस पी प्लस क्यू इज जीरो। अगर ए जीरो आ गया तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूस इक्वेशन। तो दैट मीन्स मुझे यू निकालने का ए क्या है, एक रूल है। ठीक है, तो एक है ई टू द पावर एक्स, ये जनरल का है एक्सपोनेंशियल के लिए, एंड इसमें ए के जगह पे वन माइनस वन के लिए मैंने किया, क्योंकि पर्टिकुलरली इससे बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है इसलिए ये पर्टिकुलरली हम लोग किए। तो रूल वन में हम लोग क्या किए, ई टू द पावर एक्स सॉल्यूशन कब होगा, जब तुम्हारा क्या ए स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू इक्वल टू जीरो है, ए अगर सेटिस्फाई कर गया तो मैं बोलूंगा वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ये सॉल्यूशन। अच्छा, उसका ही के पर्टिकुलर केस, ए अगर वन है दैट मीन्स ई टू द पावर एक्स इज ए सॉल्यूशन, दैट मीन्स इफ दिस इज इक्वल टू जीरो, अगर ए जीरो है तो इसको क्या बोलेंगे, वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ए हो गया रूल वन, ठीक है रूल वन। अब रूल टू मैं मतलब एक्स टू द पावर एम सॉल्यूशन कब होगा, एक्स टू द पावर एम सॉल्यूशन कब होगा, उसके लिए तुमको ये याद रखना है, एम इंटू एम माइनस वन, एम इंटू एम माइनस वन ये तो याद रखना ही पड़ेगा तुमको, जैसे यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे ये याद रखना है, एम इंटू एम माइनस वन पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर ये होता है तो एक्स टू द पावर एम सॉल्यूशन होगा। अब तुम बोलोगे सर अगर एम के जगह पे अगर मैं वन लूँ तो वन लोगे तो क्या होगा, वन लोगे तो क्या होगा बोलो, वन वन माइनस वन जीरो, तो वन माने पी एक्स, ठीक है एम के जगह पे वन पी एक्स, एम के जगह पे वन ना, तो हाँ माने पट एम के जगह पे मैंने क्या लिया, एम के जगह पे वन लिया तो ये जीरो हो गया। ठीक है, तो देन माने एम के जगह पे वन माने वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है वाई इक्वल टू एक्स सॉल्यूशन कब होगा, इफ एम के जगह पे वन पुट करो तो ये आएगा पी एम पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, एक तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू अगर जीरो है, पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू अगर जीरो है दैट मीन्स वाई इक्वल टू एक्स इज ए सॉल्यूशन। सेम बात एम के जगह पे टू लो, टू टू माइनस वन टू पी एक्स, टू पी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टू टू पी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो अगर है तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये सॉल्यूशन। तो तुमको यहाँ पे क्या ये रखना है, देखो यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एम इज ए सॉल्यूशन इफ दिस होल्ड्स, अगर ये होल्ड कर जाए उसमें पर्टिकुलर केस क्या है, एम इक्वल टू वन दैट मीन्स वाई इक्वल टू एक्स इज ए सॉल्यूशन दिस। अब देखो ये याद कैसे रहेगा, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ये सब याद हो जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन प्रैक्टिस करने से ही, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही देखना ये सब तुमको याद रहते जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया। अब देखो जस्ट रूल बोल दिया, अब वर्किंग रूल देखो, एक बार वर्किंग रूल देखो, मैंने पहले से इसको स्क्रीन में ले लिया ताकि मैं क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर पाऊँ। देखो तो वर्किंग रूल टाइम सेविंग के लिए, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग कंप्लीट प्रिमिटिव
सॉल्यूशन व्हेन एन इंटीग्रल ऑफ सी एफ इज नोन, दैट मीन्स व्हेन क्या रिड्यूस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन अगर मुझे मालूम है तो उस टाइम में हम लोग सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। पहला क्या है स्टेप वन, जो सॉल्यूशन जो गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब अगर डी टू वाई डी एक्स टू के साथ कुछ भी है, अगर एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है कुछ भी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे यूनिटी में कन्वर्ट करेंगे उसके कोएफिशिएंट को, दैट मीन्स उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है सिंपल बात, क्या करेंगे हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है हम लोग उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ये आ गया। अब देखो अगर यू तुमको गिवन नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना यू गिवन नहीं है, अगर यू गिवन है तो तुमको ये करने का कोई काम ही नहीं है। अगर यू गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे फाइंड एन इंटीग्रल यू सी एफ बाई यूजिंग दिस फॉलोइंग टेबल। फॉलोइंग टेबल देखो वन प्लस पी प्लस क्यू यू इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज ए सॉल्यूशन। अगर वन माइनस पी प्लस क्यू माने जो इक्वेशन है उसमें पी मिल जा रहा है क्यू मिल जा रहा है, जो इक्वेशन है उसमें पी मिल जा रहा है क्यू मिल जा रहा है, उस पी क्यू को लेके तुम देखो अगर ए होल्ड करता है तो u इक्वल टू टू दोबार एक सॉल्यूशन, अगर a होल्ड करता है तो u इक्वल टू टू दोबार माइनस एक सॉल्यूशन। ठीक है और उसी का ही ये तो जस्ट पर्टिकुलर केस था, a का वैल्यू वन लेके a का वैल्यू वन लेके a का वैल्यू माइनस वन लेके। अब देखो जनरली अगर a होल्ड करता है तो u इक्वल टू टू दोबार एक सॉल्यूशन, मानो कि वन और माइनस वन के लिए नहीं हो रहा है, सपोज ऐसा हो रहा है कि ई टू दोबार टू एक सॉल्यूशन है तो इसके लिए क्या होगा a का वैल्यू टू, तो ए है तुम्हारा। ठीक है मेनली इसमें से हो जाता है। ठीक है अब देखो u इक्वल टू एक्स सॉल्यूशन कब होगा जब p प्लस क्यू एक्स जीरो होगा, जब टू टू पी एक्स प्लस एक क्यू है। ठीक है एक क्या है तुम्हारा q है तो u इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखो असल में यहाँ पे a है तुम्हारा जनरल e टू द पावर ax के लिए, e टू द पावर ax ये सॉल्यूशन व्हेन दिस होल्ड्स u इक्वल टू एक्स टू द पावर m होगा जब ये होगा एक सॉल्यूशन। मुझे y इक्वल टू यू चाहिए, अगर क्वेश्चन में पहले से क्या बोला इफ ए सॉल्यूशन और इंटीग्रल u इज गिवन इन ए प्रॉब्लम, अगर क्वेश्चन में पहले से ही तुमको गिवन है देन दिस स्टेप इज ओमिटेड, माने ये स्टेप तुमको करना ही नहीं पड़ेगा। बट अगर मुझे u पहले से गिवन नहीं है तो उसके लिए तो मुझे पहले से ये चेक करना पड़ेगा ना, जहाँ पे ये दोनों है मेन इसका ये पर्टिकुलर केस और इसका ए भी पर्टिकुलर केस, एम के जगह पे वन और माइनस वन करो, इसका ये पर्टिकुलर केस इसका भी ये पर्टिकुलर केस। ठीक है स्टेप थ्री में क्या होता है कि तुम क्या करो वाई इक्वल टू यू वी को एज ए कंप्लीट सॉल्यूशन माने हो। अच्छा एंड जो हम लोगों ने अभी जो थ्योरी आर्टिकल किया ऊपर में जो आर्टिकल था इसको ऐसे काट दो, ठीक है ऊपर में जो आर्टिकल किया देन एज एक्सप्लेन इन द अबव आर्टिकल गिव एन इक्वेशन रिड्यूस टू दिस। देखो इसको ऐसे रिड्यूस किया जाएगा, इसको ऐसे रिड्यूस किया जाएगा माने यहाँ पे देखो ये जो हम लोगों ने रिड्यूस किया था देख पा रहे ये जो रिड्यूस किया था, अब जो रिड्यूस किया ना इसी पे हम लोग क्या करेंगे अब डी वी डी एस के जगह पे क्या करेंगे क्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे डी वी डी एस के जगह पे क्यू पुट करोगे, क्या बोल रहा है कि टेक डी वी डी एक्स इज क्यू शो दैट डी वी डी एस क्यू होगा तो डी टू वी डी एक्स टू क्या होगा डी क्यू डी एक्स, उसको वन में पुट करना, इसको वन में पुट करना, देन वन विल कम आउट टू बी ए लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड क्यू, माने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन क्यू बोलना है। अच्छा जहाँ पे क्यू डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स क्या है एक्स इज ए इनडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है तो ये है, तो ये है ये हो गया। ठीक है तो अब देखो नेक्स्ट जो ये है, अब स्टेप नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट जो काम करना है वो तुम्हारा सॉल्व आर नॉट इक्वल टू अगर जीरो है तो सॉल्व इट एज यूजुअल, बट अगर आर जीरो हो जाए ना तो देखना वेरिएबल सेपरेशन से काम हो जाएगा क्यू एक्स का। ठीक है एंड नेक्स्ट काम क्या करना है, जो क्यू था उसमें डी वी डी एस पुट करके फिर से क्या करना है जो तुम्हारा वी एक्स का सेपरेट करना है इंटीग्रेट करने के बाद वो जो वी का वैल्यू है मेरा जो आया इंटीग्रेट करके निकालूंगा उसको मैं पुट कर दूंगा। यू तो मुझे पहले से मालूम है या फिर मैंने निकाल लिया है,
तो देन द डिजायर सॉल्यूशन इज ऑब्टेंड। तो क्वेश्चन करने से क्लियर हो जाएगा, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन करने से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरीफाई दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द रिड्यूस इक्वेशन ऑफ दिस, माने ये जो इक्वेशन है ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। ठीक है, तुमको वेरीफाई करने बोला है कि एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द रिड्यूस इक्वेशन ऑफ दिस, माने तुमको दिखाना है कि इस इक्वेशन का अगर रिड्यूस इक्वेशन लोगे, इसका रिड्यूस इक्वेशन क्या होगा, राइट हैंड साइड में तुमको जीरो करना पड़ेगा। तो तुमको दिखाना है कि वाई इक्वल टू एक्स उसको सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपल बात, वेरीफाई करना है दिस। एंड नेक्स्ट जो बात बोला है, सॉल्व द इक्वेशन आफ्टर रिड्यूसिंग टू इट टू ए फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, माने इसको सॉल्व करने बोल रहा है आफ्टर रिड्यूसिंग इट फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। एक बात देखो, ये जो इक्वेशन है, इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किए थे कहाँ पे, देखो तो सेकेंड ऑर्डर एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर एक्स। ठीक है, तो दैट मीन्स ए हम लोग कहाँ पे सॉल्व किए है, ए हम लोग किए हैं कॉसी ऑयलर होमोजीनियस इक्वेशन पे। ठीक है, बट यहाँ पे तुमको वो करने से नहीं होगा, इसमें बोला ही गया कि सॉल्व द इक्वेशन आफ्टर रिड्यूसिंग इट फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। देखो तो अभी जो हम लोग का आर्टिकल था, मैंने क्या बोला था, रिड्यूसिंग वाडा रिड्यूस करेगा, ये जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रिड्यूस ऑफ इट्स वाडर। तो देखो तो यहाँ पे वाडा रिड्यूस होकर क्या आया था, फर्स्ट ऑर्डर आया था ना, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात है कि तुमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में पहले तो तुमको वेरीफाई करना है, माने यहाँ पे सिंपल बात है u इक्वल टू x है, तुमको दिखाना है कि y इक्वल टू जो x है ये तुम्हारा रिड्यूस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स मुझे सेटिस्फाई करके चेक करना है, वेरीफाई अगर हो गया तो मैं उसको बोल दूंगा कि y इक्वल टू x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द रिड्यूस इक्वेशन। एंड सेकंड जो बात है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, इस चैप्टर का जो काम करना, इस चैप्टर से ही करना है, इसको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो दैट मीन्स वाई इक्वल टू, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, वाई इक्वल टू यू वी जो सॉल्यूशन है उस स्टाइल में करेंगे, जहाँ पे यू एक्स है ये मुझे पहले दिखाना। तो देखो इसका मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ कि द गिवन इक्वेशन इज सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू प्लस, नहीं माइनस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द गिवन इक्वेशन, इसको वन बोल दो। ठीक है, और इसका जो रिड्यूस इक्वेशन है, इसका रिड्यूस इक्वेशन क्या होगा, इसका रिड्यूस इक्वेशन लिखो, द रिड्यूस इक्वेशन ऑफ वन, द रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ वन इज क्या होगा, जस्ट क्या होगा बोलो तो, राइट हैंड साइड में जीरो कर देना, एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया रिड्यूस इक्वेशन, इसको नंबर टू बोलो। ठीक है, अब क्या बोला है कि वाई इक्वल टू, मान एक्स सॉल्यूशन है उसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई चेक करना है। तो मैंने क्या किया कि लेट y इक्वल टू x, देन क्या होगा, dy dx क्या होगा, देन dy dx इज, मुझे वेरीफाई करना है क्या y इक्वल टू x सॉल्यूशन है या नहीं है, तो ऐसे लिखो, टू वेरीफाई दैट y इक्वल टू x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस रिड्यूस्ड इक्वेशन। तो पहले तुम्हारा काम क्या होगा, y इक्वल टू x तो है तुम्हारे पास, y इक्वल टू x तो है, ठीक है, y इक्वल टू x, अब मैं क्या करूँगा, देखो y डी वाई डी एक्स निकालूंगा, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन, एंड डी टू वाई डी एक्स टू, मैंने इसका डेरिवेटिव फिर से करोगे तो क्या होगा, डी टू वाई डी एक्स टू ए होगा जीरो। ठीक है दिस, अब देखो तो मैं क्या करूंगा, ये आ गया, एंड एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स
टू एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर डी टू एक्स डी जीरो, एक्स डी वाई डी एक्स वन, अच्छा, एंड वाई का वैल्यू है एक्स, तो ये आया जीरो माइनस एक्स प्लस एक्स, दैट मीन्स क्या देख पा रहे हो, जीरो हो रहा है, दैट मीन्स वाई इक्वल टू एक्स जो है ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, वाई इक्वल टू एक्स जो है वो सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि हेंस 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 वाई इक्वल टू एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्या, ऑफ वन, वाई इक्वल टू एक्स ये सॉल्यूशन ऑफ टू, सॉरी वन नहीं टू, रिड्यूस इक्वेशन का, वाई इक्वल टू एक्स ये सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूस इक्वेशन टू, ठीक है। तो अब जो मुझे काम करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब मुझे मुझे सॉल्व करना है ना, इसको फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस करना है, इसको फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस करके सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, वाई इक्वल टू क्या था, यू वी, यहाँ पे तो मुझे यू मालूम है, यू क्या है, यू इज एक्स, तो क्या करोगे देखो, नाउ लेट द जेनरल सॉल्यूशन ऑफ वन इज वाई इक्वल टू क्या, वाई इक्वल टू वी एक्स, यहाँ पे भी क्या है, भी भी इज इक्वल टू, भी इज इक्वल टू क्या, भी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, भी इज ए भी इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, भी इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो नाउ लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, अब यहाँ पे क्या करोगे तुम, डिवाइडेस निकालो, अब देखो तो डिवाइडेस क्या आ रहा है, डिवाइडेस माने वी एक्स डी वी डी एक्स, वी एक्स डी वी डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम डी टू वाई डी एक्स टू करोगे तो देखो तो क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा वी का होगा क्या, डी वी डी एक्स, हाँ, और इसमें आएगा x का वन डी वी डी एक्स, माने टू डी वी डी एक्स एंड x डी टू वी डी एक्स टू, एक्स डी टू वी डी एक्स टू, टू डी वी डी एक्स, ये आया मेरा क्या, डी टू वाई डी एक्स टू, ठीक है। अब जो इक्वेशन वन था, ये सब वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दो, इक्वेशन वन मेरे लिए कौन था, यही था ना इक्वेशन वन, दिस इज द इक्वेशन वन, ठीक है, यही तुम्हारा क्या था, मेरा इक्वेशन वन था, दिस इज द इक्वेशन वन। अब इसमें तुम क्या करो, उसको पुट कर दो, कौन किसको पुट करो, वाई इक्वल टू एक्स पुट करो, वाई इक्वल टू ए एक्स पुट करो, हाँ वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए पुट कर दो, और डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर दो सब, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा कि द इक्वेशन वन ट्रांसफॉर्म इंटू क्या होगा, क्या था इक्वेशन, एक्स स्क्वायर डी टू आई डी एक्स टू, एक्स स्क्वायर एक्स डी टू वी डी एक्स टू प्लस टू डी वी डी एक्स, ए डी टू आई डी एक्स टू, अच्छा, माइनस एक्स भी एक्स प्लस डी वी डी एक्स, सॉरी भी एक्स प्लस डी वी डी एक्स प्लस प्लस वाई माने प्लस प्लस वाई, वाई माने यहाँ पे क्या है बोलो तो, वाई माने यहाँ पे है, वाई माने यहाँ पे है तुम्हारा वी एक्स, ठीक है। तो वाई माने यहाँ पे तुम्हारा है वी एक्स, तो वाई इक्वल टू वी एक्स, तो वी एक्स इक्वल टू क्या, वी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन वन देखो ये हुआ। अब इसमें देखो तो क्या हो रहा है, अगर तुम इसको ये करोगे तो क्या आ रहा है, एक्स क्यूब डी टू वी डी एक्स टू, हाँ एक्स क्यूब डी टू वी डी एक्स टू,
एक्स क्यूब डी टू बी डी एक्स टू प्लस क्या, एक बात देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर टू डी बी डी एक्स माने टू एक्स स्क्वायर डी बी डी एक्स, और यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी बी डी एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डी वी डी एक्स। यहाँ पे देखो वी एक्स और प्लस वी एक्स माइनस वी एक्स प्लस वी एक्स कैंसिल, तो राइट में रहेगा एक्स स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा तुम्हारे एक्स डी टू वी डी एक्स, एक्स डी टू वी डी एक्स टू एक्स एक्स डी टू वी डी एक्स। एक काम करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर मुझे कैंसिल करना है तो एक्स को नॉन जीरो होना पड़ेगा ना, तो एक काम कर लो यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो लिखो पुट डी वी डी एक्स, ठीक है, पी पुट करो या फिर क्यू पुट करो, मैंने पी पुट किया, पुट डी वी डी एक्स इक्वल टू पी एंड लेट, ठीक है, एंड लेट क्यू भी पुट कर सकते हो, चलो मैं यहाँ पे क्यू से समझाया था, पुट डी वी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एंड लेट एक्स इज नॉन जीरो, तभी तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ ना, देन क्या होगा बोलो, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो तो यह आ जाएगा एक्स, एक्स क्या आएगा डी क्यू डी एक्स, एक्स डी क्यू डी एक्स प्लस प्लस क्या प्लस पी सॉरी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू वन, ठीक है, इज इक्वल टू वन, ये क्वेश्चन बाद में मिलूंगा, थोड़ा रुक जाओ। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये क्या होगा एक्स डी क्यू डी एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी क्यू डी एक्स, मुझे इसको यूनिटी में रखना है ना, वन में रखना है, तो एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या होगा वन बाई एक्स इंटू क्यू, और ये हो जाएगा क्या वन बाई एक्स। अब बोलो तो ये क्या है, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन ना, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन इन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन इन क्यू, तो लिखो व्हिच इज ए, व्हिच इज ए फर्स्ट ऑर्डर, देखो ऑर्डर रिड्यूस हुआ, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, व्हिच इज ए फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन इन क्यू, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन इन क्यू, ठीक है, इन क्यू। अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ऐसे लिखो, इसका क्या नाम दिए थे लास्ट, द इक्वेशन वन ट्रांसफॉर्म टू टू, इसको दे दो थ्री, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ थ्री ई टू द पावर इंटीग्रेशन क्या, ई टू द पावर इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स, दिस इज ई टू द पावर लॉग एक्स एंड दिस वन इज एक्स। अब हम लोगों ने क्या बोला था, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो लिखो मल्टीप्लाइंग थ्री बाई, मल्टीप्लाइंग थ्री बाई एक्स एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्या मिलेगा तुम्हारा, मिलेगा मुझे जिसका लीनियर है, लीनियर किसका है, लीनियर इन क्यू है ना, तो लीनियर इन क्यू अगर है तो मैं क्या लिखूंगा, लीनियर इन क्यू, तो ये होगा क्यू इंटू क्या, लीनियर इन क्यू इंटू आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स है क्यू इंटू एक्स, राइट हैंड साइड में क्या था देखो, तो वन बाई एक्स था, वन बाई एक्स, तो क्या होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी वन, ठीक है, प्लस सी वन। तो अब देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है,
यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल, तो इंटीग्रेशन डी एक्स माने ये होगा एक्स प्लस सी वन। अब यहाँ पे मुझे जो क्यू है, क्यू का मतलब क्या होगा, क्यू मीन्स वन प्लस सी वन एक्स, ठीक है। क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू किसको लिया था मैंने, क्यू लिया था मैंने डी वी डी एक्स को, ठीक है। डी वी डी एक्स मेरे लिए क्यू है, तो अब यहाँ पे क्या करो, डी वी डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस सी वन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे डी वी डी एक्स सी वन अपॉन एक्स, ठीक है, या फिर सी वन डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग वी गेट वी इज इक्वल टू एक्स सी वन लॉग एक्स, और इंटीग्रेटिंग करने के लिए एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी टू। बट एक बात बोलिए, तो मेरा भी का वैल्यू आया, बट मेरा जो सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या है, वाई इक्वल टू वी एक्स, लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन इज वाई इक्वल टू वी एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयर फॉर द जनरल सॉल्यूशन और कॉम्प्लीट सॉल्यूशन, इसको क्या लिखोगे, के देयर फोर द कंप्लीट सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन वन इज वाई इक्वल टू वी एक्स, और ये है तुम्हारा वी का वैल्यू। तो क्या होगा, वी एक्स माने एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सी वन एक्स लॉग एक्स, एंड होगा क्या सी टू दिस। तो दिस इज द कंप्लीट, हायर सी वन सी टू आर द आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, हायर सी वन एंड सी टू आर द आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो क्वेश्चन और है, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं एक काम कर ले रहा हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखो ये क्या, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नोइंग दैट क्या बोला, नोइंग दैट वाई इक्वल टू एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द रिड्यूस इक्वेशन दिस, मतलब पहले से बोला गया कि दिस इज ए सॉल्यूशन। तो जब ये सॉल्यूशन है तो मुझे इसको वेरीफाई नहीं करना है, पहले से बोला गया। अगर वेरीफाई करने बोलता है तो मैं वेरीफाई करके, जस्ट दो एक लाइन का काम है वो। अब मुझे क्या करना है कि मुझे दिखाना है कि दिस इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व इट आफ्टर रिड्यूसिंग ए फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। तो मुझे इस पे काम करना है। तो देखो, तो पहले तो मैं, मुझे वेरीफाई नहीं करना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ कि देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू डी वाई डी एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू वाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन। मुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है इसका तुम्हारा एक सॉल्यूशन क्या है, मुझे क्या मालूम है कि इसका एक सॉल्यूशन, इसको वन बोल दो,
इसका एक सॉल्यूशन क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एक्स। तो ऐसे लिखो सिंस, ऐसे लिखो लेट लेट y इक्वल टू वी एक्स, जहाँ पे वी क्या है, वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, देन द लेट y इक्वल टू वी एक्स दिस, लेट y इक्वल टू वी एक्स दिस बी द जेनरल सॉल्यूशन ऑफ वन, कारण क्या दोगे, रीजन क्या, सिंस 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 क्या, सिंस y इक्वल टू एक्स, देखो y इक्वल टू एक्स क्या है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द रिड्यूस इक्वेशन, सिंस y इक्वल टू एक्स इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द रिड्यूस्ड इक्वेशन वन, ठीक है। तो ये है, अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग काम करेंगे क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डीवाई डी एक्स निकालो, डीवाई डी एक्स माने भी एक्स डीवी डी एक्स एंड डी टू वाई डी एक्स टू क्या होगा, बी का होगा टू डी वी डी एक्स, और इसमें होगा एक्स वन और डी वी डी एक्स वन टू डी वी डी एक्स एंड होगा तुम्हारा एक्स डी टू वी डी एक्स टू टू डी वी डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो इसको अब क्या करें, वन बिकम्स देन वन बिकम्स, जो ओरिजिनल इक्वेशन हो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू, दैट मीन्स एक्स डी टू वी डी एक्स टू प्लस टू डी वी डी एक्स, और क्या है माइनस माइनस ठीक है, माइनस क्या, माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस टू, एक्स इंटू एक्स प्लस टू भी एक्स प्लस डी वी डी एक्स एंड एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई माने वाई क्या है, यहाँ पे वाई है तुम्हारा भी एक्स, दिस इज एक्स क्यूब, ठीक है एक्स क्यूब। अब देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब डी टू वी डी एक्स टू टू एक्स स्क्वायर डी वी डी एक्स माइनस क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर भी माइनस एक्स क्यूब डी वी डी एक्स माइनस टू भी एक्स एंड माइनस टू एक्स, सॉरी टू एक्स नहीं, माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर डी वी डी एक्स एक्स स्क्वायर भी टू वी एक्स एक्स क्यूब। तो देखो तो यहाँ पे क्या कट रहा है, यहाँ पे सर कट रहा है आपका एक्स टू एक्स स्क्वायर डी वी डी एक्स एक्स स्क्वायर भी ये कैंसिल, टू भी ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ क्या रहा है, यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे ये क्या था, एक्स क्यूब ये एक्स स्क्वायर भी, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है एक्स स्क्वायर डी टू भी, एक्स स्क्वायर डी टू भी एक्स स्क्वायर, कुछ जगह पे गलती हुआ है मुझे जितना लग रहा है देखते ही। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब भी होगा,
तो यहाँ पे तो एक्स क्यूब ही आ रहा है, तो यहाँ पे असल में क्या आ रहा है, एक्स क्यूब डी टू वी डी एक्स टू, एक्स क्यूब डी वी डी एक्स, और ये हो रहा है एक्स क्यूब। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे पुट डी वी डी एक्स इज क्यू एंड लेट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, देन होगा कि ये तुम्हारा बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, दिस इज एक्स क्यूब तो कैंसिल, डी पी डी एक्स माइनस क्या, माइनस पी, ये होगा वन। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, हुई चीज़ें फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, हुई चीज़ें फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन इन पी, हुई चीज़ें फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, सॉरी मैंने पी कैसे कर दिया, ये तो तुम्हारा मैं क्यू यूज़ कर रहा हूँ, तो क्यू होगा ये, मुझे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन इन, वो चीज़ें फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन इन क्यू। अब यहाँ पे आई एफ क्या होगा, देयर फोर आई एफ, देयर फोर आई एफ, इसको नंबर थ्री बोल दो, नंबर थ्री, ये वन था, ये टू कर दो, इसको टू नंबर नहीं दिया गया, टू आई एफ ऑफ टू ई टू द पावर माइनस डी एक्स, दिस इज माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस डी एक्स, तो माइनस एक्स, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ टू बाय ई टू द पावर माइनस एक्स एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्या मिलेगा, किसका लिनियर है, लिनियर इन क्यू, तो क्यू इन टू आई एफ ई टू द पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड में क्या है, देखो तो राइट हैंड साइड में वन है, तो इस वन को ले लो एंड क्या करो, वन इन टू आई एफ ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी वन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू का वैल्यू आ रहा है, क्यू आ रहा है तुम्हारा ई टू द पावर माइनस एक्स ना, तो ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा तुम्हारा, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले देख लो, ये आ रहा है तुम्हारा, रुक जाओ, ये आ रहा है तुम्हारा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस प्लस क्या, प्लस सी वन, प्लस सी वन, ठीक है, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो तो यहाँ पे इसमें सी वन हटा दो, यहाँ पे कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे अब क्या होगा, देखो तो क्यू क्यू यू टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा माइनस वन, ठीक है, सी वन ई टू द पावर एक्स। अब क्यू क्या है, क्यू है तुम्हारा डी वी डी एक्स, तो डी वी डी एक्स माइनस वन प्लस सी वन, सी वन ई टू द पावर एक्स को पहले करो, उसको माइनस करो, सिंस क्यू इज डी वी डी एक्स, तो ये क्या आ रहा है, डी वी सी वन ई टू द पावर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग वी गेट वी इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स सी टू, ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, या फिर द कॉम्प्लीट प्रिमिटिव भी बोल सकते हो, ठीक है, तो लिखो देयरफॉर द
मैं सभी टर्म लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग ये हो कि देयर फॉर द कंप्लीट प्रिमिटिव इज वाई इक्वल टू क्या सी वन ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स प्लस सी टू वायर सी वन एंड सी टू आर कंप्लीट प्रिमिटिव बोलो कंप्लीट सॉल्यूशन बोलो या फिर जनरल सॉल्यूशन बोलो हर सी वन एंड सी टू आर द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको तुम लोग होमवर्क ले लो, इसको होमवर्क ले लो। क्या बोल रहा है कि सॉल्व दिस गिवन दैट दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स रिडिस्ट्रीब्यूशन। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है रिडिस्ट्रीब्यूशन का, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये तुम लोग खुद से कर पाओगे। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हारा रिडिस्ट्रीब्यूशन का सॉल्यूशन है ना, मानो वाई इक्वल टू जो यू है ये पहले से तुमको गिवन नहीं होगा, वो हम लोग क्या करेंगे अभी जो हम लोगों ने बोला था जो रूल बोला था उससे हम लोग चेक करेंगे। देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने रूल बोला था ना, ये जो टोटल छः टो यहाँ पे बोला था इससे ही हम लोग काम करेंगे। फाइंड एन इंटीग्रल यू किसका ऑफ सी ए दैट मीन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का ए छः से। यहाँ पे देखो कि अभी जो मैंने कहा यहाँ पे क्या इफ ए सॉल्यूशन यू इज़ गिवन देन दिस स्टेप ओमिटेड, बट अभी जो हम लोग काम करेंगे वो इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, मैंने अगर सॉल्यूशन पहले से गिवन नहीं है रिड्यूस इक्वेशन का तब जाके हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट काम, हम लोग इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, ठीक है, आज इतना तक रखते हैं, चलो बाय।